अब तो एंटरटेनमेंट की ये ताजगी लेकर आ रही हैं हम सब के लिए साहिबा और सीरत की मम्मा यानी संतोष कौर यानी लुबना सलीम। हमारी टीम कर रही है लुबना जी के साथ एक डे आउट। तो कैसा है लुबना जी का ये खूबसूरत सा सेट और किस तरह बनती हैं वो लुबना से संतोष, लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। संतोष का गिद्दा। लुबना की डियर जिंदगी। साहिबा और सीरत की मम्मी का स्वैग। भाई ये तो है एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, एक माँ है, बीवी है, काम के साथ साथ अपने घर को भी संभालती है और दोनों के बीच बैलेंस करना इन्हें बखूबी आता है। लुबना को आप ओ माय गॉड और कई ऐसी फिल्मों में देख चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है, निभाए हैं अलग अलग किरदार, लेकिन यादगार रहा बाबहू और बेबी में लीला ठक्कर का किरदार। वेब सीरीज में भी इन्होंने काम किया है जैसे कि द आम आदमी फैमिली, सैंडविच फॉरएवर और कई ऐसी वेब सीरीज। ये थिएटर आर्टिस्ट हैं और एक्टिंग इनके नस नस में बसी है। फिलहाल आप इन्हें सीरियल तेरी मेरी डोरिया में संतोष के किरदार में देख रहे हैं, जो निभा रही हैं साहिबा और सीरत की मम्मी का किरदार। और आज सास बहू और बेटिया के साथ ये बिताने वाली हैं पूरा एक दिन। इनके बारे में हम ढेर सारी बातें जानेंगे, जानेंगे इनके करियर की कहानी, मिलेंगे रियल फैमिली से, यानी कि होने वाली है ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की। गुड मॉर्निंग, और हमारे साथ है लुबना जी और सुबह सुबह उनकी मॉर्निंग हमारे साथ हुई है आज, यानी कि सास बहू बेटिया के साथ। तो लुबना जी कैसा रहने वाला है आज का ये पूरा दिन? ये तो आप ही लोग बताएंगे कि मेरे साथ अच्छा लगा या कैसा लगा, या एक्चुअली जो संतोष है वो क्या क्या करती है, तो आज तो सारी पोल खुल जाने वाली है। आज सारे राज खोले जाएंगे। यस बिल्कुल। देखते हैं आप कितने खोल सकते हैं राज संतोष के। अच्छा, हमेशा मतलब मोस्टली गुजराती आपने कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, थिएटर किया है, फिल्म्स की है, मूवीज़ की है, मतलब वेब सीरीज़ की है, सीरियल्स की है, ये जो है इस बार संतोष पर कैसे बनाया? मतलब संतोष जब आपको ऑफर हुआ तो मतलब कि ये कैरेक्टर करना है? नहीं, मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा टीवी करती नहीं हूँ, एंड जब भी मैंने काम किया है तो मैंने हमेशा ये देखा है, पहले रोल देखा है कि उसमें कितना चैलेंजिंग है, कितना कुछ है मेरे लिए परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं कभी लगा कि यू नो एक अच्छी मम्मी या एक बुरी मम्मी या एक विलन, या आई नेवर फाउंड एनीथिंग वेरी एक्साइटिंग अबाउट दोज रोल्स। तो मैंने बहुत कम काम किया है, लेकिन जितना भी किया है ऐसा किया है कि पावरफुल काम है, ऐसा काम जो आपको सुबह सुबह जैसे है, आज सुबह निकले, मन कर रहा है जाओ काम करो, खूब अच्छा काम करो, घर आओ खुशी खुशी, ऐसा वाला काम। सो आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द हंट फॉर समथिंग लाइक दैट, एंड लकीली मुझे ऐसे ही रोल मिलते गए, डेफिनेटली बिकॉज बाबर बेबी इतने साल चला और उसके बाद में काफ़ी ओ माई गॉड हुआ, फिर उसके बाद में वो गुजराती 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 इतना स्टिक हो गया, तो एक अलग आपको जरा एक लिहाज से मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। हालांकि दोनों ही मेरी भाषाएं नहीं है, ना गुजराती मेरी भाषा है ना पंजाबी मेरी भाषा है, लेकिन उसके बाद भी अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डे और चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं हम लोग संतोष कैरेक्टर बनाने के लिए, क्या क्या होता है। भाई लुबना के दिन की शुरुआत होती है नारियल पानी से। जी हाँ, एक भी दिन ये सुबह सुबह नारियल पानी पीना बिल्कुल भी मिस नहीं करती है। दिन की शुरुआत मेरी तो होती है नारियल पानी से, तो प्लीज चलें पी लें एक। चलिए लेट्स डू दैट। ना मैम, कितना मुश्किल होता है मतलब इन दोनों चीज़ों में मैनेज करना? फिट रखना आई थिंक बेसिकली फॉर एन एक्टर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आप स्क्रीन पर होते हैं। आजकल मैं आपको काफ़ी मोटी मोटी भी दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर, रुष्ट पुष्ट हो गई हूँ, लेकिन हाँ आई
वी सी टू इट दैट यू नो वी हैव टू कीप इट, बिकॉज 12-12 घंटे काम जो हम करते हैं पूरे सुबह से लेकर रात तक, उसमें हमारे लिए थोड़ा सा यू नो अपने आप को अजाइल रखना और यू नो उसी एनर्जी के साथ में पूरा 12 घंटे तक परफॉर्म करते रहना काफ़ी मुश्किल होता है. तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर डाइट, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद एवरीथिंग. तो येस लेट्स गो. There's no better way to start a morning with Nariyal Pani. I really like this area. ना हमारा ये बैक रोड जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, मुझे अच्छा बहुत लगता है बिकॉज एवरीबडी कीप्स फिट यू नो. तो सुबह सुबह जब आप निकले हो तो ये तो काफ़ी अभी समय हो गया है, लेकिन सुबह सुबह जब सारे जॉगिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर तो खुद अंदर से बुरा लगता है कि हाय हाय हम क्या कर रहे हैं सोकर. अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो पूरी जो भी हमारी जो यू नो रूटीन होती है वो तो चली जाती है, जस्ट इज़ आउट ऑफ द गियर. मगर उसी के अंदर यू नो जो भी हमें समय मिलता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारे सीरियल्स जो हम करते हैं तो बहुत हम जो बड़े कॉन्शियस एक्टर्स होते हैं वो जिम विम लगवा लेते हैं कि भी यू नो कुछ यू नो ट्रेडमिल दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए. और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी यू नो कि वो अपने कॉस्ट्यूम में पहने हैं लेकिन उनको समय मिला तो वो जाके डट 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 फटाफट फटाफट आई जिम टुडे. सो दैट फीलिंग इज अ गुड फीलिंग. इट हैपेंस ऑन अ सेट, दिस इज आवर सेट लाइफ. नारियल पानी तो पी लिया, अब बारी है घर से सेट तक के सफर तय करने की, जिसमें इनका हम सफर बना है सास बहू और बेटियां. वैसे गाड़ी में बैठते ही एक गृहिणी के काम शुरू हो गए. भाई इनके कुक को ये बता रही है कि आज खाने में क्या कुछ बनेगा. भाई काम से पहले घर भी तो जरूरी है ना. मेरा अपना काम तो शुरू खत्म हो गया, मेरा सुबह का नारियल पानी हो गया, अब बहुत ज़रूरी काम और वो ये है कि कुक को बताना कि आज क्या क्या घर में बनने वाला है. बिकॉज वो आती हैं चली जाती हैं और डेफिनेटली हम जो सुबह निकलते हैं रात में आते हैं तो बिल्कुल रिमोट कंट्रोल पे घर चल रहा होता है. तो जो घर वाले हैं यू नो मेरे बच्चे हैं पति हैं सब तो वो अंडरस्टैंड करते हैं मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई लव डूइंग इट सो आई रियली हैव टू मैनेज इट. यू नो ऐसा नहीं होता कि अगर आप काम कर रहे होते हैं तो ये नहीं पता होता कि यू नो फ्रिज में क्या है और किचन में क्या नहीं है. वो चीज़ों का ध्यान रखना भी एक मुझे लगता है एक मेरे लिए बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है पकाना, मुझे किचन बहुत अच्छा लगता है, मुझे आई लव डूइंग ऑल दैट. तो मेरे लिए वो रिलीज़ है. तो जब मैं शाम में वापस आती हूँ या सुबह में अपनी सब्ज़ी बना के लेके जाती हूँ या कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से कुकिंग एंड स्पेशली फॉर माय फैमिली. सो आजकल तो मैं कुकिंग कर ही नहीं पा रही हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन रिमोट कंट्रोल. सुबह से रात तक मेहनत करते हैं हम. तो प्लीज़ कैन आई जस्ट कॉल अप माई मेड, उसको बताना है आज दिन भर क्या पकाना है. ओके मैं उसे वॉइस मैसेज कर देती हूँ तो वो आंसर कर लेगी. और बहुत मज़ा आता है यू नो जब वो कभी कभी होता है दीदी वो यू नो मसाला ख़त्म हो गया है वो कहाँ पे रखा है, शक्कर निकालूं कि नहीं निकालूं, यू नो भैया दूध मांग रहा है दूसरी बार. और जब आप बहुत इंटेंस शॉट दे रहे होते हो और उसके बीच में ये सब चीज़ें आ रही हो तो मुझे अरे बात करती हूँ ऐसा वाला चक्कर हो रहा होता. बेटा सुन मैं निकल गई काम पे, तुम आओगी खाना पकाने तो आज गोभी की सब्ज़ी बना लेना बच्चा ठीक है, और रोटी बनेगी, दाल चावल देख लेना, दाल तुम मसूर की बना लेना, नहीं तुम एक काम करना हरी मूंग की बना लेना दाल ठीक है, उतनी ही बनाना. और थोड़ा सा वो जो बथुआ बनाया था वो तुम उसको चेक कर लेना कि वो ठीक से बना कि नहीं बना ठीक है, मैंने सिर्फ उबाला है उसको अभी तक.
तो अगर उसके परांठे बनाने हैं जो भी करना है वो कर लेना बेटा, ठीक है। रिमोट कंट्रोल पे घर चलाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन एज एंजॉयबल एज योर वर्क। तो चलिए ये काम भी पूरा हुआ, अब बारी है इनके करियर की कहानी सुनने की जो हम जानेंगे खुद लुबना की जुबानी। तो सफर की शुरुआत हो गई है हमारी, आपके घर से सेट पर हम पहुंचने ही वाले हैं। और तो अब सफर की बात निकली है तो आपके सफर को हम जरूर जानना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ है ये सब, मतलब पूरा आपका आइकॉनिक शोज आपने किए हैं, सारी बातें थोड़ी सी थोड़ा हमें बताइए। मेरी शुरुआत थिएटर से हुई है और जब मैं कहती हूँ शुरुआत तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी थिएटर है, इसलिए कि बचपन से आज तक मेरी लाइफ लाइन जो रही है वो यही रही है एक्टिंग के यू नो सिलसिले से। एंड जितनी मेरी ट्रेनिंग है, जितना भी मैंने किया है और जो मेरा सेटिस्फैक्शन है, जो यू नो आप दुनिया में काम करते हैं, मैंने सारे मीडियाज़ में काम किया है, एड्स करते हैं हम लोग, वेब्स करते हैं हम लोग, टीवी सीरीज करते हैं, फिल्म्स करते हैं, लेकिन वापस जाके जो थिएटर के का जो में जो एक सेटिस्फैक्शन, एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक बॉम्बिंग इफेक्ट है यू नो थिएटर फॉर यू। सो रहा है। एंड डेफिनेटली जब थिएटर की ट्रेनिंग मिलती है किसी भी एक्टर को तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यू नो ट्रेनिंग मिल ही नहीं सकती है। आज की डेट में भी अगर आप देखें मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, अभी रुकिए। ये है मेरा स्क्रिप्ट जो मुझे आज करना है। तो मैं रोज़ मेरे सेट पे जाती हूँ, उससे पहले मैं उसे ये कह देती हूँ कि प्लीज़ मुझे यू नो मेरा स्क्रिप्ट दे दो ताकि मैं अपना होमवर्क कर लूँ। एंड जब मैं होमवर्क कहती हूँ तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ यू नो इस तरह के मेरे, ये बिल्कुल जैसे थिएटर के होता है, इस तरह की चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ये 3 दिन से ये सारा मैं होमवर्क कर रही हूँ। जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए जब प्रिपेयर्ड होते हैं तो फिर वो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है कि यस यू कैन डू इट, यू कैन परफॉर्म इट। थिएटर एक और चीज़ आपको सिखाता है, इट्स नॉट जस्ट उस छोटे से फ्रेम में जो हम टीवी सीरियल के यू नो छोटे से टीवी के फ्रेम में दिखाई देते हैं, हमारे क्लोजेस दिखाई देते हैं, इट्स दैट एनर्जी बिहाइंड इट। हर फील्ड में काम किया है, मतलब यू सीन अ लॉट ऑफ एड्स आजकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जेमिनी ऑयल का एड चल रहा है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वेब सीरीज, सैंडविच फॉरएवर एंड पता नहीं कौन से, आम आदमी फैमिली, ये देखने वाली चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें। आम आदमी फैमिली एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरियल रहा, अभी हमने उसका अभी अभी 4th सीजन किया है, आई एम वेटिंग फॉर इट टू यू नो बी रिलीज। तो उसका भी एक बहुत ही सुंदर वेब सीरीज़ का एक्सपीरियंस रहा है। एक हमने बहुत इंटरेस्टिंग किया था गॉन गेम, जो हमने घर से शूट किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। सैंडविच फॉरएवर जो किया था वो तो सोनी लिव का था, वो तो हमने ट्राई टू एक्सपेरिमेंट के जैसे लाइव ऑडियंस के साथ में एक कॉमेडी यू नो वो, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो हो नहीं पाया, लेकिन वो जॉनर वही था यू नो सिटकॉम वाला, वो इंटरेस्टिंग था। बाबूर बेबी आप सब जानते हैं, और बीच में बहुत सारे रिश्तों का चक्रव्यूह और मेरा नाम करेगी रोशन, पता नहीं कौन से और फिल्में, यस ओ माई गॉड, और अभी एक नई आने वाली है गदर एंड ऑल दैट स्टफ। तो सारी टीम मिलेगी बिकॉज शादी का सीक्वेंस चल रहा है हमारा। ये यूनिट भी इतना प्यारा यूनिट है, इतने मज़ेदार, वो सारी तीनों बच्चियाँ, चाहे आई डोंट हैव गर्ल्स, तो ये जो तीनों बच्चियाँ हैं जो सीरत साहिबा और कीरत, ये तीनों बिल्कुल ऐसा लगता है एंड दे कॉल मी मम्मा एंड यू नो आई कॉल देम बच्चा, तो यू नो इतना अच्छा लगता है। छोटी छोटी सी चीज़ें लाइक, और उसका बाल ठीक नहीं है तो उसके बाल जाके ठीक कर दिया, या उन्होंने आके मेरा यू नो कुर्ता ठीक यू नो दुपट्टा ठीक कर दिया, छोटी छोटी सी चीज़ें लाइक वी हैव लंच टुगेदर, वी आर टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम, या अगर मुझे कुछ लगता है कि तुमने इसको ठीक से नहीं यू नो बोला, इसको ऐसे यू नो इस डायलॉग को ऐसे बोलो, या इसके पीछे की फीलिंग ये थी, इमीडिएटली दिल टेक इट। इतने टैलेंटेड एक्टर्स और इतने प्यारे बच्चे, बेसिक ह्यूमन क्वालिटी इतनी प्यारी है उन सब की कि बहुत अच्छा लगता है। और उन तीनों की नहीं, इवन विजेंद्र, इवन यू सी जसलीन, गौरी टॉम कैन डेफिनेटली आर डायरेक्टर्स, तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े बाबू बीबी में सब कहते हैं ना गुजराती गुजराती कहते हैं, वहाँ पर हम लोग यू नो गरबा किया करते थे और यहाँ पर हम गिद्दा कर रहे हैं तो तो जी आज हम लोग गिद्दा करने वाले हैं।
ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया के सेट पर। और सेट पर पहुंचते ही सीधा अपने मेकअप रूम में पहुंची लुबना, क्योंकि अब होगा इनका मेकओवर और ये लुबना से संतोष के किरदार में ढलेंगी। तो अब शुरू हो चुका है ये सफ़र लुबना से संतोष बनने का। आप देख रहे हैं जीतू दादा, सुधा दीदी पीछे, सारे इतने छोटे से मेकअप रूम में हम लोग सब भरे हुए हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम लोग मुझे अच्छे से संतोष बनाना, हाँ ठीक है, जब तक मैं अपनी लाइंस कर लेती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ, बिकॉज द लास्ट थिंग ये लोग मुझे बोलते हैं इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। मैं जितना सिंपल रख सकता है, जितना अच्छा रख सकता है, जितना जल्दी कर सकता है काम, बस वो वाला काम करना। तो जल्दी वाला काम चाहिए हम लोगों को। सो दैट्स व्हाट इट इज। अभी सुधा खत्म होकर ले, मुझे भी समझ नहीं आता मैं अपने बाल ठीक करूं या मेकअप ठीक करूं। लड़ाई इस समय लड़ाई चल रही है जीतू और सुधा में। जीतू को मेकअप करना है मुंह पर और सुधा को पीछे मेरे बाल करने हैं। तो दोनों में से कौन जंग जीतेगा? संतोष तैयार है और वो पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में ढल चुकी है। भाई सीरियल में चल रहा है शादी का सीक्वेंस, इसीलिए ये सज धज है। तो आइए लुबना से जानते हैं उनके इस लुक के बारे में। Okay, so now almost ready. पहनने हैं लेंसेस और दुपट्टा and we are done. संतोष तैयार। अब लुबना से संतोष तैयार हो गई हैगी। और देखो जी, आज सीरत का ब्याह है, तो आज की थीम जो है वो है गोल्डन। तो देखो सारा गोल्डन शोल्डन, गोल्डन ड्रेसेस। हाँ जी, अब सीरत दी मम्मी को ये सारा दिया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग जो पूरी थीम है उसमें गोल्डन करके और सारे लोगों को ये ज्वेलरी दी गई है जिसमें कुछ ग्रीन यू नो बीड्स हैं। सो दैट इज़ द ब्रेक इन द गोल्डन। तो इट्स अ ब्यूटिफुल, वेरी एथीरियल, वेरी वेरी क्लासी लुक दैट ऑल ऑफ अस हैव। ये जो हमारा अटायर है ये गोल्डन है, इसीलिए इन्होंने ब्रेक हमें दिया है ये ग्रीन बीड्स का।
तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं हरा डाल के और उसका ब्रेक दिया है तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ग्रीन एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन ही इतना सुंदर है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। सारी लेडीज़ जो है ना वो ज्वेलरी पहन के उन्हें पता नहीं एक अजीब सा यू नो रॉयल फीलिंग आने लगती है ना, और इतनी बहुत सारी ज्वेलरी पहन के तो और भी। लगने में अभी थोड़ा समय है तो ऐसे में क्यों ना सेट पर चलकर मिल लिया जाए लुबना की रियल फैमिली से जिन्हें वो बहुत प्यार करती है। अब संतोष तैयार हो गई है, अब चलेंगे सेट पर देखने के लिए कि फैमिली के कौन से मेंबर्स जो हैंगे वो हमें मिल जाते हैं। चलो जी। ओ माय गॉड, देखो कौन कौन है। आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग, दिस इज सो मच फन, लुक एट ऑल ऑफ देम। हेलो, मैंने कहा था ना हम सारे गोल्डन शोल्डन में। हेलो जी, ये हमारे हीरो हैंगे। ये हाँ जी, ये हीरोइन हैंगी। सो गुड टू सी यू ऑल यार, सो गुड टू सी यू ऑल। व्हाट आर यू ऑल डूइंग आजकल? आधा रेडी हुआ हूं, आधा नहीं हूं। आधे हो आधे नहीं हो। ये हमारा कौन सा है? तलवार दी है काटने के लिए। किसकी किसकी? मैंने बता दिया कान में। किसको? अभी उसको कान में बता दिया मैंने तलवार से क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो ही नोज इट। ये हमारी पीढ़ियों की तलवार है। शादी में तो युद्ध ही है एक। शादी इज आल्सो लाइक अ वॉर। या शादी तो एनीवेज अ शादी इन रियल लाइफ एंड अदरवाइज इज अ वॉर। सो इज इट नॉट अ वॉर? शादी इन रियल लाइफ एंड अदरवाइज इज ऑलवेज अ वॉर, है ना? मैं ही लेकिन एक लेंगे। तुम्हारा सामना संतोष के साथ है। संतोष के साथ ही है, संतोष का ब्रास के साथ है। संतोष अगर अपनी बेटियों को देगी तो ना तुम्हारी जीतोगे। संतोष की बेटियां जो है भाई, रियल लाइफ में लुबना को लड़की नहीं है और इसीलिए वो सीरत और साहिबा को बहुत प्यार करती है और उन्हें रियल में अपनी बेटी मानती है। तभी तो देखिए कैसे उनसे बातें करते करते लुबना की आंखें भर आई और ऐसे में दिखा इनका रियल लव।
बेटियां साथ हैं तो एक डांस तो बनता है ना। मिलिए मेरी सबसे बड़ी बेटी सीरत से। हेलो एंड दिस इज साहिबा। सत श्री अकाल। ओए ट्रेडिशंस। सो आज तो खास मौका है क्योंकि तुम तो मेरे पास भी नहीं खड़ा हो जाए बिकॉज मुझे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुम तो भाग चुकी हो, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाओगे। बहना है ना? हाँ बिल्कुल भाग गई। अभी तुम ढूंढ ही रही है बेचारी कहाँ है, अभी तो पता चलेगा। मम्मी को ना अभी पता नहीं चला है, मैंने मम्मी से ही सीखा है और मैं बहुत दूर की सोची है मैंने। जहाँ एक ही लड़की का रिश्ता हो रहा था मैंने सोचा है क्यों नहीं एक तीर से दो निशाने लगाए जाए। मैं अगर छोटे वाले को रख लेती हूँ तो बड़ा वाला फ्री हो जाएगा तो दोनों चले जाएंगे। एक पे एक फ्री, कैन यू इमेजिन? एक पे एक फ्री। सेल चल रही है क्या लड़कियों की यहाँ पर? आई थिंक हम लोगों की एनर्जी कभी कभी कम पड़ जाती होगी बट शी इज द वन जिनकी एनर्जी कभी कम नहीं पड़ती, चाहे वो सीन में हो, बिहाइंड द सीन हो, शी इज ऑलवेज फुल ऑन एनर्जेटिक, बिहेविंग लाइक अ टिपिकल मदर, येलिंग, शाउटिंग। एक्चुअली यही होता है, यही होता है। और हमारी प्यारी मम्मी ना ये बेचारी ये हैवी ईयरिंग से ना बहुत परेशान हो जाती हैं, इनको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है इसलिए इम्प्रोवाइजेशन के लिए कहती हैं। इससे मैं तुम्हें हटा दिए होंगे ना? तो वो पहले ही हटा देती है चलते सीन में कि डायरेक्टर को बोलने की जरूरत ही ना पड़े कि कंटिन्यूटी में फंसे ही ना। है ना मम्मी? तो और बहुत ध्यान रखती है, शी मेक श्योर कि किसी के क्लोजअप्स में ना तो तुम मेरे पे हाथ लगाओ ना मैं तुम्हारे पे हाथ लगाऊं क्योंकि रात तक एंड तक फंस जाएंगे। कभी कभी यार, कभी कभी सुनो कभी 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 ऐसा होता है कि मैं बोल देती हूँ क्लोजअप में या फिर मम्मी मैं आके ना ऐसे कर लेती हूँ या फिर ये आप ऐसे कर लो, नहीं 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 फंस जाएंगे नहीं करना। ऐसे नहीं है कि ना ऐसा बोल मत बोला, मैंने तुम्हें बहुत प्यार भी किया है और जो हगीज किया है तुमको, की चीज किया है तुमको, तुम्हारी वजह से सारा कांड हो रहा है। शाबाश जम बना ले दे। जब फाइनल हम लोग एक दिन लास्ट शूट स्टार्ट करने से पहले हम लोग की सबकी मीटिंग हुई थी, तब हमने पहली बार हम मैम से मिले थे एंड क्या होता है कि एकदम देखते ही ना याद आ जाता है कि हाँ बहुत 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 जगह देखा है एंड वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड कि शी इज गोइंग टू प्ले आवर मदर। एंड द वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारे जितने भी सीन्स होते हैं अभी तक, अब तो आई थिंक बहुत ही सिचुएशन बहुत चेंज होने वाली है सीरत की और सीरत की मम्मी की, लेकिन अभी तक हमने जितने भी सीन्स किए हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड वो शैतान वाला जो होता है ना हम दोनों का जो बॉन्ड है वो ऐसे आ जाता है। एंड सीरियसली मेरी ये जो पूरी मोंगा फैमिली है, हम तीनों बेटियों के बीच में और मेरे बीच में, एज आई टोल्ड यू कि यू नो आई डोंट हैव डॉटर्स, तो ये तीनों जो है ना मेरी उसकी एक कमी पूरी कर दी है इन लोगों ने। इतना अच्छा लगता है इन तीनों के साथ में काम कर, एक तो टैलेंट के तो भंडार हैं तीनों और ऊपर से लवली पीपल, इतने प्यारी बच्चियाँ हैं तीनों, यू नो फोकस्ड बच्चियाँ अपने काम पर और बहुत ही यू नो रिस्पेक्टफुल, इसलिए बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि अगर कभी मैं इनसे कुछ कह दूँ या डांट दूँ या कुछ कर दूँ तो सुन लेती हैं अच्छी बच्ची है। मम्मी हमें तो कमी डांटती है, कीरत को बहुत लताड़े पड़ती है डे इन एंड डे आउट। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हाँ हमें ना पता नहीं था कि हमारी मम्मी कौन प्ले करने वाले हैं, तो जब हमारा लास्ट हमें जो वर्कशॉप हुई उस दिन हमें पता चला कि मैम कर रहे हैं, मेरा फर्स्ट क्लिक ये था ओ माय गॉड, वो देखा था मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद था। एंड सेकेंडली मम्मा अभी दो दिन पहले ही बात है, हम बैठे हुए थे तो आई जस्ट वेंट इनटू हर वैनिटी मिलने के लिए, तो शी वाज सेइंग कि मैं इतना कैरेक्टर में आ गई हूँ ना कि व्हेन आई सॉ सीरत का संगीत सेरेमनी मुझे एक्चुअली अंदर से इमोशनल हुआ कि फाइनली सीरत की शादी हो रही है एंड आई लाइक फील सो गुड, सच्ची अंदर से फील करते हैं कि हाँ मेरी बेटी की शादी हो रही है।
आई थिंक ये शादी जो होती है ना, ये और स्पेशली जब ये सब रस्में चलती हैं और यू नो जब विदाई का दिन होता है, तो कोई भी दुनिया की औरत है वो अगर वो शादीशुदा है तो वो इस मोमेंट को हमेशा रिलीव करती है. और वो एक पेन जो है वो खुशी भी होता है, वो खुशी गम का एक अजीब सा एक मिलन होता है और वो रहता है, यू नो वो हमेशा याद आ जाता है. तो वो अभी थोड़े दिन पहले आई वॉज जस्ट विजिटिंग माई कज़न एंड वो तो बहू लेकर आ रही थी और बहू जो थी वो हंस रही थी और जो सास थी वो रो रही थी. तो ये इमोशंस होते हैं और ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो बहुत प्योर होते हैं और ज़िंदगी भर साथ रहने वाले होते हैं. जब तुम लोगों की शादियाँ होंगी ना तब तुम लोगों को पता चलेगा क्या होता है ये. एक माँ के दिल की बात. ब्लेस यू और थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सास बहू बेटियाँ, वी लव यू ऑल. थैंक यू. तो भाई अब बारी है लुबना को बाय बाय कहने की और हमने इनके साथ एक दिन बिताया, इनके बारे में जानी ढेर सारी बातें. भाई हर फील्ड में लुबना काम कर चुकी है और अब अपने संतोष वाले किरदार से अपने दर्शकों का दिल जीत रही है. उम्मीद है ऐसे ही अलग अलग किरदारों में हम लुबना को देखते रहे और यूं ही वो अपने दर्शकों का मनोरंजन करती रहे. तो मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब यहाँ पर ब्रेक लेता है, इसलिए कि अब लुबना को हमने पीछे छोड़ दिया है इस सफ़र में और संतोष तैयार हो गई हैं. सो अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अपने सीन पर. ऐसे मैंने आपको बताया कि बड़ा रोने धोने का सीन है, सीरत भाग रही है, बेटियों का क्या होने वाला है, इन बेटियाँ इतना दुख क्यों देती हैं यार, इतने हैवी कपड़े पहना के रोना पड़ेगा मुझे. चलो मैंने उसे तैयारी करनी है. तो देखो आ गई ना संतोष, तैयारी करनी है. तो ऐसा है कि अब मैं आपसे विदा लेती हूँ. थैंक यू सास बहू बेटियाँ फॉर वॉचिंग अस एंड वॉचिंग तेरी मेरी डोरियाँ. रोज़ आते हैं हम लोग आपसे मिलने के लिए स्टार प्लस पे 7 बजे. ज़रूर देखिएगा और हमें लाइक करिए, नहीं बहुत सारा प्यार दीजिए. ब्लेस यू ऑल. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.